पिज़्ज़ा जिके जाने माने ब्रांड जेमी ओलिवर रेस्तरा ने जालंधर के मॉडल टाउन में जेमी ओलिवर पिज़्ज़ेरिया का नया आउटलेट खोला है। यह ब्रांड भारत में 2015 में लॉन्च किया गया था। इस कैजुअल डाइनिंग रेस्तरा में 50 से 60 लोगों के बैठने की जगह है तथा यहाँ पर लोग हाथ से बनाए हुए नेपोलिटन पिज़्ज़ा, स्वादिष्ट ड्रिंक तथा बेहतरीन डिज़र्ट्स का आनंद उठा सकते हैं। जेमी ओलिवर पिज़्ज़ेरिया दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद में पहले से ही मौजूद है और अब यह जालंधर में भी खुल गया है। जेमी ओलिवर पिज़्ज़ेरिया का भारत में यह 17वां आउटलेट है। इस मौके पर रेस्तरां के अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। Welcome to Jamie's Jalandhar. We are so proud to be here. We love the Punjab. The Punjab is spicy, fresh, fun. Jamie's is spicy, fresh and fun. It's like a perfect marriage. So namaste from Jamie's. Dhanyabad, thank you so much. Thank you so much for letting us come to the wonderful city of Jalandhar. We will learn from you. We will serve you. We will do our best. Everything is fresh, beautifully made. We take our food incredibly seriously and we want to make a contribution to the amazing food scene of Jalandhar. Come to Mondal Town, call me, bring your parents, bring your kids, bring your aunties, bring your grannies, bring 10,000 friends. Thank you so much. That's it. I'm Jasper. Welcome. बठिंडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके चलते बठिंडा के लिबर्टी चौक और फौजी चौक में जिन गाड़ियों के शीशों पर काली फिल्म्स और प्रेशर हॉर्न लगे हुए थे, उन्हें उतारा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज अमरीक सिंह ने बताया कि उनकी ओर से शहर की सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसके चलते गाड़ियों पर लगी काली फिल्में और प्रेशर हॉर्न को उतारा गया है और उन्हें आगे से ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी गई है। इस मौके पर समाज सेवी संस्था के प्रधान गुरविंदर शर्मा, आसरा वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान रमेश मेहता, संदीप हैप्पी, आशीष बांसल, संजीव कुमार सहित पुलिस के कई कर्मचारी भी मौजूद रहे। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम सब इंस्पैक्टर अमरीक सिंह है। मैं बतौर ट्रैफिक इंचार्ज बठिंडा लग्या होया। मानजोग DGP ते सीनियर पुलिस कप्तान बठिंडा जी दे हुक्मां अनुसार असीं शहर विच जिन्नियां भी गड्डियां चल रहियां जिन्हां दे कालियां फिल्मां लगियां होईयां जां जालियां लगियां होईयां, जालियां वाले असीं उतार रहे हैं, फिल्मां भी उतार रहे हैं ते उन्हां दे चलान भी कट रहे हैं। गत दिनों पंजाब सरकार की ओर से आप पार्टी के कर्मठ नेता जसबीर सिंह जस्सी सोहियांवाले को जिला योजना बोर्ड पटियाला का चेयरमैन लगाए जाने से पूरे इलाके में खुशी की लहर पाई जा रही है और लोग पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जगह जगह पर उनका स्वागत कर रहे हैं। इसी के तहत आरती एसोसिएशन के प्रधान जितेंद्रजीत सिंह और समूह सदस्यों की ओर से चेयरमैन जस्सी सोहियांवाले का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधान जितेंद्रजीत सिंह ने कहा कि जस्सी सोहियांवाले को पार्टी द्वारा जो मान सत्कार दिया गया है, उसके लिए वे पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे जमीन से जुड़कर पार्टी की दिन रात सेवा कर रहे हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। पटियाला जिले का जिहड़ा योजना बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया तो उसकी खुशी पूरे नाभे हल्के दे विच मान सम्मान मैं रहने हैं। पार्टी वाइज तो उपर उठ के हर एक व्यक्ति जिहड़े जथेबंदियां ने वो मेरा मान सम्मान कर रही ने, क्योंकि साडा अपना शहर आ, अपने शहर करके जिहड़ा बहुत बड़ा अज मैनू आड़ती एसोसीएशन के वलों मान सम्मान दिता गया। मैं हमेशा ही ऋणी रहाँगा, मैं इमानदारी नाल काम करांगा ते नाल ही जिनी डिवेलपमेंट नाभे शहर की होगी या पूरे जिले की वो कराने के विच भी अपना पूरा सहयोग देवांगा ते तत्पर रहाँगा, क्योंकि मैं एक ग्राउंड लैवल तो उठा हुआ इंसान हाँ। असीं इन्हां नूं बहुत प्यार करते हैं, दिलों की हर पक्षों ही प्यार करते हैं। इन्नी समुची लीडरशिप है जी, सारे पिछे छड़ के अगे हुए थे, इन्हों अपनी काबिलियत का मुल मिले, बहुत बढ़िया इंसान ने, साफ सुथरे अक्ष वाले।
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें युवा व बाल गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायकों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, रहमत बाली, गोपाल पांडे, गौरव लूथरा, प्रदीप और रमन ढल्ला ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेवानंद, राजीव भसीन और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। इतना दिया मुझे माने कि उतनी मेरी औकात न थी, ये तो कर्म है मेरी मैया का, पर ना मुझ में तो ऐसी कोई बात न थी। तेरा वसदार वे दरबानी मां, साडा सुखी रवे परिवारी मां। तेरा वसदार वे दरबानी मां, साडा सुखी रवे परिवारी। जेएमपी के मैनेजिंग पार्टनर जितेंद्र कपूर, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हॉल में किया गया, जिसमें प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने कीर्तन कर स्वर्गीय जितेंद्र कपूर की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, डायरेक्टर श्रीमती वाणी विज, सांसद चौधरी संतोख सिंह, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, वरिष्ठ भाजपा नेता मोहिंदर भगत, अमरजीत सिंह अमरी, केडी भंडारी, एलपीयू के वाइस चांसलर नरेश मित्तल, गुलशन शर्मा, भूषण कोहली, सुरेश मेहंदीरत्ता सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय जितेंद्र कपूर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जी 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 जी
एक ऐसा इंसान जिसने सदा हर पारिवारिक और समाज
बठिंडा के महेश्वरी चौक में इनोवा और स्विफ्ट गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों कार सवारों में बहसबाजी शुरू हो गई। इसी दौरान स्विफ्ट कार चालक ने अपना पिस्टल निकालकर बाहर ही निकाला था कि तभी इनोवा गाड़ी चालक ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद इनोवा गाड़ी सवार ने अपने संपर्क वालों को मौके पर बुलाया। इस अवसर पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर दोष लगाते हुए दिखे, जिसके चलते मौके पर पुलिस को बुलाया गया। सूचना मिलते ही स्थिति का जायजा लेने पहुंचे डीएसपी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि महेश्वरी चौक के नज़दीक कार सवारों में मामूली टक्कर के बाद बहसबाजी शुरू हो गई, जिसमें एक व्यक्ति ने पिस्टल निकाल ली। गनीमत रही कि पिस्टल से गोली चलने से पहले ही दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। फिलहाल दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया है। दोनों के बयान सुनने के बाद बनती कार्यवाही की जाएगी। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। कंट्रोल रूम तो मैसेज मिला से भी जेड़ा महेश्वरी चौक च लड़ाई हो रही है, जो मुख्य अफसर सिविल लाइन भी पहुंचा, तो मैं भी इतने पहुंचा। काफ़ी ट्रैफिक जाम सीगा, काफ़ी रश सीगा इतने, जो पता लगे कुछ भी इकल किसी आपस के टकराने करके कोई दो धड़िया आपस लड़ाई हुई है। जो एक पासों मैं ये भी पता लग्या भी उन्होंने किसी ने बंद ने इतने पिस्टल कढ़ने की भी कोशिश की है, जो असी कानून के अकॉर्डिंग असी वेरीफाई कर रहे हैं, वो बंदे केड़े केड़े सी ते कार्रवाई कर रहे हैं। बठिंडा के धोबियाना इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल की पानी की टंकी में मरे हुए जानवर मिले। इस दौरान इलाका निवासियों ने बताया कि स्कूल में पानी के टंकी के बिना ढक्कन के रखी हुई है, जो कि खुले आसमान के नीचे है, जिससे पानी में मरे हुए मेंढक, चूहे, छिपकली जैसे कई जानवर पानी में तैर रहे थे, जिसकी जानकारी पत्रकारों को दी गई, जिसके बाद पत्रकारों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इसकी कवरेज की। इस दौरान लोगों ने रोष जताते हुए कहा कि जिन लोगों की इस सब में लापरवाही है उन पर सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जाए। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। मैं ये बेनती करना चाहता हूँ कि बच्चे इतने जी है इतने 300 बच्चे है, 300 बच्चों के इन्हों को सिर्फ दो टीचर है और उन्होंने पानी भी पीण वाला सही प्रॉपर तरीके नहीं मिल रहा है। पानी मैं तुम्हें तो दिखा सदा कि देखो उपर देखो टैंपी अभी सारे टैंकियाँ चैक की गई, टैंकियों के मरे हुए जानवर मिले है, जिदे कि डड्डू है, होर हड्ड है जानवर के, और जिदे कि एक पंछी का हड्ड भी मिलेगा, पंछी की एक लाश भी मिलेगी ना। इस चीज़ में जे कुछ सियाना आप जो पीवेंगे तो आप भी बीमार पवेंगे, ये अपने बच्चे आने वाला भविख है। जो असं इन बच्चों इस तरह का पानी पिलावे तो मैं दसो अजक तो सरकार ने किन्नी किन्नी सहूलत की, साढ़े स्कूल वाल क्यों नहीं ध्यान दे रही सरकार। मैं जी यही कहना चाहनी हूँ, देखो पानी चलाया बिचों चूहे मरे निकले आ, बिचों डड्डू मरे निकले आ, कुछ निकलता कदे कुछ निकलता, इतने कोई सहूलत नहीं हैगी। बच्चा जो जी करता बाहर नूं चला जाता, कोई गार्ड की सहूलत नहीं जी, कोई ध्यान नहीं रखा जाता, बच्चे का जो जी करता स्कूल आ जाता है, जो जी करता बच्चा चला जाता। इतने मैं कहनी स्कूल बनाते हैं कल, बस इतने सहूलत कोई भी नहीं हैगी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से।
अमृतसर के जोड़ा फाटक के पास मामूली बात को लेकर हुए विवाद के दौरान युवकों ने की फायरिंग। गोली लगने से एक युवक गंभीर घायल। जालंधर की नई बारादरी थाना की पुलिस ने सूफी गायक को ब्लैकमेल करने वाले एक फर्जी पत्रकार को किया काबू। हिंदू व सिख समाज के लोगों ने नाम पर ऐंठ रहा था पैसे। अमृतसर थाना छेहरट्टा की पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान चार युवकों को धर दबोचा। निशानदेही पर चोरी की 20 मोटरसाइकिलें की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। I'm gonna